हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल वे। जिन लोगों ने मेरे वीडियोस पहले भी देखे हुए हैं उन सभी को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, और जो लोग अभी इस चैनल पर नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और भी अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिल सके। फ्रेंड्स, गर्मी पूरे ज़ोरों पर है। हम सभी की इच्छा होती है कि इस गर्मी में राहत के लिए किसी ठंडी जगह पर घूमने जाएं। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इंडिया के टॉप 10 हिल स्टेशन के बारे में। मेरी इस लिस्ट में नंबर 10 पर आता है मसूरी, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर ये हिल स्टेशन काफ़ी खूबसूरत है। इस हिल स्टेशन को द क्वीन ऑफ हिल स्टेशन भी कहा जाता है। सी लेवल से 7000 फीट हाइट पर ये शहर 12 महीने ठंडा रहता है। वैसे जून टू सेप्टेम्बर और दिसंबर टू फरवरी आर द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस हिल स्टेशन। आप यहाँ पर रोड, रेल और फ्लाइट तीनों से आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ से नियरेस्ट एयरपोर्ट है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी देहरादून ही है। मसूरी पहुँचकर आप लाल टिब्बा हिल टॉप, लेक मिस्ट, कैम्प्टी फोर्ट, क्लाउड पॉइंट और मसूरी मॉल रोड ज़रूर घूमें। नंबर 9 पर आता है उत्तराखंड का नैनीताल। नैनीताल को जाना जाता है उसकी खूबसूरत तालों के लिए। सी लेवल से 6837 फीट हाइट पर ये शहर बहुत ही ब्यूटीफुल है। अपनी खूबसूरती के कारण ये फैमिली के साथ घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पर नियरेस्ट एयरपोर्ट है देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो कि 175 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है काठगोदाम, जो कि अबाउट 35 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। नैनीताल घूमने का बेस्ट टाइम फरवरी से जून तक का होता है। वैसे आप नवंबर एंड और दिसंबर में भी यहाँ का वेदर काफ़ी इंजॉय करेंगे। नैनीताल पहुँचकर आप यहाँ की नैनी लेक, भीमताल, नौकुचिया ताल, मॉल रोड, इको केव गार्डन ज़रूर घूमें। वैसे कैची धाम और नैना देवी मंदिर भी काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं। नंबर 8 पर है ब्रिटिश पीरियड की समर कैपिटल ऑफ इंडिया यानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। शिमला, जो कि काफ़ी फेमस हिल स्टेशन है, ये सी लेवल से 7238 फीट की ऊंचाई पर है। चंडीगढ़ से सिर्फ 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये हिल स्टेशन यंगस्टर में वीकेंड स्पेंड करने के लिए काफ़ी पॉपुलर है। वैसे शिमला में भी एक एयरपोर्ट है, पर यहाँ पहुँचने के लिए सभी शहरों से कनेक्टिविटी नहीं है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट बेटर ऑप्शन रहता है। शिमला के लिए आप कालका से टॉय ट्रेन से भी पहुँच सकते हैं। 5 आर की ये जर्नी आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। शिमला इज़ फेमस फॉर इट्स मॉल रोड, द रिश, कुफरी टॉप और टॉय ट्रेन। यहाँ पर घूमने का बेस्ट टाइम है मार्च टू जून। अगर आप स्नो एंजॉय करना चाहते हैं तो आप नवंबर एंड से फरवरी के बीच ट्रेवल करें। नंबर 7 पर है द पैराडाइज ऑफ अर्थ यानी श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर काफ़ी ब्यूटीफुल शहर है। सी लेवल से 5200 फीट की हाइट पर ये शहर जाना जाता है अपनी फेमस डल लेक के लिए। डल लेक पर शिकारे की सैर काफ़ी आनंद देती है। वैसे श्रीनगर का मुगल गार्डन, शालीमार बाग, निशाद बाग काफ़ी ब्यूटीफुल है। यहाँ पर सिलसिला जैसी कई फिल्म की शूटिंग भी हो चुकी है। यहाँ पर घूमने का बेस्ट टाइम है अप्रैल टू अक्टूबर। यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है श्रीनगर और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है जम्मू तवी। नंबर 6 पर है केरल का मुन्नार। मुन्नार इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स एंड लश ग्रीन टी गार्डन्स। बेस्ट टाइम टू विजिट मुन्नार इज़ बिटवीन मार्च एंड जून। मुन्नार जाने पर वहाँ का अट्टुकड़ वाटरफॉल, फोटोमेदू व्यू पॉइंट एंड फोटो पॉइंट ज़रूर जाएं। वैसे एराकुलम नेशनल पार्क और टाटा टी म्यूजियम भी काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पर नियरेस्ट एयरपोर्ट है कोची, जो कि 89 किलोमीटर की दूरी पर है, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है अलवा, जो कि 100 किलोमीटर की दूरी पर है। मुन्नार की सी लेवल से हाइट 4760 फीट है। जब भी आप मुन्नार जाएं, यहाँ की ग्रीन वादियों में घूमना ना भूलें। यहाँ के टी गार्डन्स और यहाँ के टी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नंबर 5 पर आता है भारत का स्विट्जरलैंड। यस, डलहौजी हिमाचल प्रदेश, जिसे लिटिल स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। डलहौजी का वेदर पूरे साल मनमोहक रहता है। सी लेवल से इसकी हाइट लगभग 6500 फीट के करीब है।
वैसे मार्च से जून के बीच यहाँ विजिट के लिए बेस्ट टाइम होता है। यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट जम्मू है, जो कि यहाँ से 107 किलोमीटर की दूरी पर है, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पठानकोट है, जो कि अप्रॉक्स 85 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। डलहौजी के फेमस टूरिस्ट स्पॉट हैं खज्जर, सद्धारा फॉल्स, पंचकुला, कला टॉप सेंचुरी और दानकुंड पीक। नंबर 4 पर है धर्मशाला और मैक्लॉयडगंज। सी लेवल से 6831 फीट हाइट पर स्थित ये जगह अपनी बुद्ध मॉन्स्ट्री के लिए काफ़ी फेमस है। धर्मशाला दलाई लामा का रेजिडेंस भी है, इसलिए इसको लिटिल लहासा इन इंडिया भी कहा जाता है। बेस्ट टाइम टू विजिट दिस प्लेस इज बिटवीन मार्च एंड जून। यहाँ के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, भक्सू फॉल, भक्सू नाग टेम्पल, नामग्याल मॉन्स्ट्री और तिब्बतियन म्यूजियम। नियरेस्ट एयरपोर्ट है गग्गल, पर पब्लिक ट्रैवल के हिसाब से जम्मू एयरपोर्ट ही इजीली पहुंच सकते हैं। जम्मू से इसकी दूरी अबाउट 140 किलोमीटर है। यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है पठानकोट, जो कि अबाउट 85 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। नंबर 3 पर आता है हनीमून कैपिटल ऑफ इंडिया लवर्स पैराडाइज यानी मनाली। मनाली की सी लेवल से हाइट है लगभग 6,726 फीट। यहाँ पर आप साल भर विजिट कर सकते हैं। वैसे यहाँ के रोहतांग पास में आपको हमेशा बर्फ मिलेगी, चाहे गर्मी हो या सर्दी। यहाँ पहुँचने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट चंडीगढ़ ही है, जो कि यहाँ से 178 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के फेमस टूरिस्ट स्पॉट हैं सलोंग वैली, रोहतांग पास, बीस कुंड, हडिम्बा टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल और कुल्लू पैलेस। नंबर 2 पर आता है तमिलनाडु का ऊटी, क्वीन ऑफ नीलगिरीज। ऊटी की हाइट सी लेवल से 7,347 फीट है। यहाँ के हरे भरे पहाड़ काफ़ी खूबसूरत हैं। इनके पहाड़ों की खूबसूरती आप कई फिल्मों जैसे कपूर एंड सन्स, गोलमाल 4 में भी देख चुके होंगे। ऊटी के टी गार्डन्स काफ़ी फेमस फोटो पॉइंट्स हैं, और यहाँ के मैनमेड ऊटी लेक, रोज़ गार्डन, बोटैनिकल गार्डन, इमरल्ड लेक काफ़ी खूबसूरत है। ऊटी का नियरेस्ट एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन कोयम्बटूर है, जो यहाँ से 105 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। आप यहाँ साल के 12 महीने इंजॉय करेंगे। अब आता है नंबर 1, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग की सी लेवल से हाइट 6,700 फीट है। यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी, जो कि 68 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, और नियरेस्ट एयरपोर्ट है बागडोगरा एयरपोर्ट, जो कि यहाँ से 38 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। दार्जिलिंग की माउंटेन ट्रेल काफ़ी फेमस है, इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज भी डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ के फेमस टूरिस्ट स्पॉट हैं टाइगर हिल, बटासिया लूप, दार्जिलिंग रोपवे, नाइटिंगल पीक। सो फ्रेंड, अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।